तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटी कद्दू की सब्जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज कुकिंग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ पे मैंने 1 kg लिया है कद्दू, और कद्दू को मैंने काट लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में। फिर उसके बाद में मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को भी काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ की काटी है मैंने प्याज। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से कद्दू की सब्जी बनाने वाली हूँ, आप लोग मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और तेल गर्म होने के बाद में डाली है मेथी दाने, और 3 से 4 डाली है मैंने साबुत मिर्च। तो मैं इनको अभी थोड़ा भून लूँगी पहले, तो फिर उसके बाद में डालूँगी प्याज। यकीन माने आप लोग ऐसे सिंपल तरीके से कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो यहाँ पे तड़के को भूनने के बाद में मैंने डाल दी है प्याज, तो प्याज को भी मैं थोड़ा ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक की भून लूँगी। और मैं जो आज कद्दू बना रही हूँ, यह है घर का कद्दू, घर पे ही लगा हुआ है हमारे। तो यहाँ पे देखिए अभी प्याज भी अच्छे से भुन गई है, तो अभी डाल दूँगी मैं अपना कटा हुआ कद्दू। अगर हम घर पे लगा हुआ ताज़ा फ्रेश कद्दू बनाएं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे सूखे मसालों में 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और नमक अपने स्वाद अनुसार आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी 3 चम्मच नमक डाली है अपने स्वाद अनुसार। तो अभी मसाले डालने के बाद में हम अच्छे से कद्दू को मिक्स कर देंगे, और साथ में आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने गरम मसाला। तो चलिए अभी इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं 10 मिनट के लिए कद्दू को ढक के छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पे कद्दू को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पे 1 चम्मच डाली है मैंने कसूरी मेथी कद्दू का और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए। और मैंने हरी मिर्च पहले नहीं डाली थी, तो अभी डाली है हरी मिर्च भी। तो अभी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी कसूरी मेथी डालने के बाद, और अभी कद्दू हमारा पूरी तरीके से गला नहीं है, तो अभी मैं इसको पकने के लिए और छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गई है कद्दू को पकते हुए, और 5 मिनट के बाद में आप लोग देख सकते हैं कद्दू में से पानी कितना निकल गया है। पूरे 5 मिनट हो गए हैं कद्दू को पकते हुए, और 5 मिनट के बाद में कद्दू से पानी अपने आप ही निकल गया है। हरी सब्जी होती है जो हमें उनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हरी सब्जी खुद ही पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पे देखिए कद्दू की सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है। ये कद्दू की सब्जी आप पराठे, रोटी या पूरी के साथ में भी खा सकते हैं, और चावल के साथ में भी अच्छी लगती है कद्दू की सब्जी खाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा है कद्दू की सब्जी बनाने का।